बाद बारिश और बदहाले की। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सफर करना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। यह मुसीबत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सफर कर रहे हैं, बल्कि मलबा साफ करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी भी जान पर कई दफा बनाती है। गंगोत्री हाईवे पर मलबा हटाने समय चट्टान टूट करके नीचे गिर गई और इस दौरान मौके पर काम कर रहे बीआरओ कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं, गनीमत यह रही कि कोई कर्मचारी मलबे की चपेट में नहीं आया, वो भागे और भाग करके उन्होंने अपनी जान बचा ली। जो लोग यहाँ से सफर करते हैं सिर्फ उनकी जान पर यहाँ पर नहीं बनी है, बल्कि जो कर्मचारी है बीआरओ के, जिन पर जिम्मा है रोड को खोलने का, हाईवेज को खोलने का, उन पर भी कई बार मुसीबत आ जाती है। देहरादून के माल देवता इलाके में आई आपदा में स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है, और ऐसे ही एक स्कूल पर हमारे संवाददाता पंकज राणा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेत में आई आपदा का असर यहाँ के नौनियालों पर ही पड़ा है। जो स्कूल है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त मैं सरखेत के एक प्राथमिक स्कूल में मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा स्कूल है वो मलबे में तब्दील हो गया है। पूरे स्कूल के सभी कमरों में मलबा घुस गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ये सरखेत, और यहाँ पर पूरी तरह से जो इस पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, इसलिए बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की बात चल रही है ताकि उन बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। हालांकि अभी कब तक ये चीज़ें होंगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्कूलों के हालात आप देख लीजिए किस तरह के बने हुए हैं। पूरे स्कूल में जो है छत तक मलबा घुस गया है, और अंदर के हालात भी आप देखेंगे तो अंदर भी इसी तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ दिक्कतें आई हैं। ये देखिए, एक बच्चे की किताब है जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए रखी जाती थी, बच्चों को वितरित की जाती थी, और ये पूरी जो बुक है, किताब है, ये मलबे में पूरी तरह से दब गई है। ऐसे ही तमाम जो बच्चे हैं जो पढ़ने आते थे उनकी तमाम यहाँ पर खिलौने, बच्चों के बांटने की किताबें, पेंसिल, तमाम चीज़ें यहाँ होती थी, वो सब मलबे में दब गई हैं। ये हालात सिर्फ स्कूल के ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ जो गांव के लोग हैं उनका भी तमाम जो सामान है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसी तरह से मलबे में दब गया है। स्कूल में भोजन माता थी मैं यहाँ की, हाँ स्कूल में क्या हुआ सर, मलबा आ रखा है 19 तारीख को ना, जब आपदा थी, जिस दिन बादल आपदा आई उस दिन मलबा आ रखा है। पीछे घर है हमारा, सब तहस नहस कर गया, और बंद ही है सर, मलबा भर रखा है सर। एक कार्यालय था, और कार्यालय के हालात आप देखेंगे तो किस तरह के बने हुए हैं। जो सामान है, बच्चों के खिलौने हैं, व्यायाम की चीज़ें हैं, उसके अलावा जो बुक्स, उनकी जो पेंसिल्स, रबड़, तमाम जो चीज़ें बच्चों को दी जाती थी, बैठने के जो बेंचेज होती थी, वो सब पूरी तरह से टूट गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं अब यहाँ हो गई हैं बच्चों के लिए, तो हुई हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं टिहरी की। टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिले के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए पहुंचे, और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने ग्राम पंचायत कुमालडा और सीतापुर में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। प्रेमचंद अग्रवाल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा भी वहां पर लिया। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी जिले में आई आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा है कि सरखेत गांव के आसपास भविष्य में भी बाढ़ से और नुकसान होने की आशंका है, और इसलिए प्रभावित इलाकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। त्रिवेंद्र रावत ने अवैध रूप से बने होटल्स, रिजॉर्ट की भी जांच की मांग की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांग की है कि आपदा प्रभावितों को हुए नुकसान का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराने की कोशिश करें। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मांग की है। ये पत्र की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।